नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज में। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 को लेकर राज्य में सियासी हलचल तेज हो गई है। बिहार के मुकाबले सीधे तौर पर एनडीए और महागठबंधन के बीच है। ऐसे में सभी दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं तक पहुंचने और उन्हें अपने पक्ष में करने की तैयारी में जुटे हैं। इसका अंदाजा राजधानी पटना में सभी प्रमुख पार्टियों के ऑफिस के बाहर लगे बड़े बड़े पोस्टर से लगाया जा सकता है। लेकिन इसी के बीच इस वक्त सुर्खियों में आरजेडी ऑफिस के बाहर लगा पोस्टर, जिसमें केवल तेजस्वी यादव ही हैं, जबकि पार्टी सुप्रीमो लालू इसमें नदारद हैं। दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में पड़ने वाले स्टेशनों पर आप अपने मोबाइल से ही एंट्री और एग्जिट कर पाएंगे। जी हां, इन स्टेशनों पर दिल्ली मेट्रो ने ऑटोमेटिक फेयर कलेक्शन को लेकर कुछ खास व्यवस्था की है। इन स्टेशनों पर बिना कार्ड और टोकन के एंट्री एग्जिट के अलावा नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल करने की सुविधा मिलेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह एक ऐसा मॉडर्न मेट्रो सिस्टम होगा जिसके आधार पर दिल्ली मेट्रो दुनिया की सबसे बेहतरीन मेट्रो सेवाओं में शुमार हो जाएगी। इस व्यवस्था को साल के आखिर तक एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी शुरू करने की तैयारी है। आपको बता दें कि इस तरह की सुविधा कुछ ही देशों में उपलब्ध है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत और महाराष्ट्र सरकार के बीच जुबानी जंग अब आर पार की लड़ाई बन गई है। पहले बुधवार को कंगना के मुंबई पहुंचने से पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण का हवाला देकर कंगना के दफ्तर में तोड़फोड़ की। अब मुंबई में महानगर पालिका ने कंगना के घर पर टेढ़ी नजर डाल दी है। बीएमसी का कहना है कि कंगना के घर में अवैध निर्माण का और बीएमसी के नियमों का उनके दफ्तर के अवैध निर्माण से भी ज्यादा उल्लंघन किया गया है। फिलहाल कंगना के घर के अवैध निर्माण का केस कोर्ट में, जिसकी सुनवाई 25 सितंबर को होगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा हाल ही में कोरोना पॉजिटिव निकली थी। मलाइका अरोड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट पर बताया कि कोरोना महामारी की चपेट में आ गई हैं और डॉक्टर्स की सलाह पर होम क्वारंटीन में हैं। मलाइका अरोड़ा ने रविवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर लिखा, कोई वैक्सीन निकाल दो भाई वरना जवानी निकल जाएगी। मलाइका अरोड़ा की यह पोस्ट लोगों का ध्यान खींच रही है। उनकी यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रही है। कश्मीर घाटी में सेना की एक बड़ी मुश्किल यह रही है कि किसी आतंकी के मारे जाने के बाद उसके परिजन बदला लेने के लिए बंदूक उठा लेते हैं। इसी तरह आतंकियों के मारे जाने के बाद नए आतंकियों के भर्ती होने का सिलसिला चलता रहता है। अब सेना ने आतंकवाद से प्रभावित कश्मीर में युवाओं को आतंकी राह से दूर रखने के लिए नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। सेना की नई रणनीति तहत स्थानीय आतंकवादियों या मुठभेड़ में मारे जाने वाले के दोस्तों और रिश्तेदारों का पता लगाया जाता है तथा उन्हें बंदूक नहीं उठाने के लिए समझाया जाता है। इसके अलावा जिन युवाओं का इस रास्ते पर जाने की आशंका नजर आती है, उनके परिवार से भी संपर्क करने का प्रयास किया जाता है। इसके तहत उन्हें अपने बच्चों को समझाने बुझाने के लिए कहा जाता है। राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में महागठबंधन और राजगढ़ के बीच चल रही सियासी जंग के बीच आदर्श आचार संहिता लागू होने के ठीक पहले दरभंगा हवाई अड्डे को चालू करने की घोषणा कर दी गई है। साथ ही दरभंगा में शुरू होने वाले दूसरे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था के निर्माण कार्य के जरिए एनडीए आगामी विधानसभा चुनावों में मिथांचल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटे हैं।
भारत और अमेरिका से बढ़ते तनाव के बीच चीन अपने तीसरे एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा है। टाइप 002 क्लास का यह एयरक्राफ्ट कैरियर चीन का अपनी तरह का तीसरा जंगी जहाज होगा। यह एयरक्राफ्ट कैरियर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने डिफेंस मैगजीन ऑर्डनेंस इंडस्ट्रीज साइंस टेक्नोलॉजी के हवाले से बताया है कि इसे 2020 के अंत या 2021 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में रोजाना तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। पिछले कुछ दिनों से 90,000 से ज्यादा मरीज रोजाना सामने आ रहे हैं। इसी वजह से लोगों को अब बेसब्री से कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंतजार है। दुनिया के कई देशों में विभिन्न वैक्सीन पर काम चल रहा है। इन सभी के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया है कि अभी वैक्सीन की लॉन्चिंग को लेकर कोई तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन यह अगले साल की पहली तिमाही में आ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने यह जानकारी सोशल मीडिया के कार्यक्रम संडे संवाद के दौरान दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार को कोरोना से रिकवर हो चुके मरीजों के लिए पोस्ट कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल जारी किया है। दरअसल कोरोना से ठीक होने के बाद भी कई मरीजों में कमजोरी, बदनदर्द, खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि इन मामलों की संख्या सीमित है, लेकिन इस पर शोधकर्ताओं ने अनुसंधान शुरू कर दिया है ताकि जरूरी कदम उठाए जा सके। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 78,399 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 37,02,595 हो गई है। रिकवरी दर अब 77% हो गई है। कंगना रनौत ने कहा कि मैंने महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की है। मेरे साथ जो भी न्याय हुआ है मैंने उसके बारे में बात की है। वह यहाँ पर हमारे सबसे अभिभावक हैं। जिस तरह से मेरे साथ जो सलूक हुआ उसके बारे में बात हुई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा ताकि युवा लड़कियों सहित सभी नागरिकों का विश्वास सिस्टम में बना रहेगा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि राज्यपाल ने एक बेटी की तरह मेरी बात सुनी। ऐसी ही और ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।